रास्ते पर मलबा डालने से लोगों को इस रास्ते से जाने में दिक्कत हो रही है। यह मलबा जल्द से जल्द हटाया जाए, इसलिए नागपुर के वार्ड समस्या निवारण समिति बड़कस चौक मित्र परिवार ने इस समस्या को लेकर आंदोलन किया। नागपुर के वार्ड समस्या निवारण समिति बड़कस चौक मित्र परिवार का कहना है कि पिछले 1.5-2 महीने से रास्ता रुदीकरण का काम शुरू है और कलेक्टर के आदेश अनुसार यहां के घर तोड़े गए हैं। इन घरों का मलबा रास्ते के बाजू में डालकर रखा है और इस कारण सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मलबा हटाने की तकरार की गई है तो भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। PWD के लोग कॉरपोरेशन का नाम बता रहे हैं तो कॉरपोरेशन PWD का नाम बता रहे हैं, लेकिन अब तक यह मलबा हटाया नहीं गया है। आखिर में यह मलबा कौन उठाएगा, यह सवाल खड़ा हुआ है। इसलिए आज नागपुर के वार्ड समस्या निवारण समिति बड़कस चौक मित्र परिवार ने मलबा NMC कॉरपोरेशन गांधीबाग को लेकर जा रहे हैं। इसके बाद भी अगर मलबा वहां से हटाया नहीं गया तो संबंधित अधिकारी के घर में यह मलबा डाला जाएगा और संबंधित नगर सेवक के घर में भी मलबा डाला जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। इस मलबा से नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस कारण उस रास्ते पर अपघात के प्रमाण भी बढ़ गए हैं। बाइट नागपुर के वार्ड समस्या निवारण समिति बड़कस चौक मित्र परिवार NMC में जाकर सवाल पूछेंगे कि अगर किसी के साथ कुछ बड़ा अपघात हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। मलबा हटाओ आंदोलन चालू केलेला आहे, काय कारण आहे मलबा हटवला किती दिवसापासून हटवला गेला नाही? हा मागच्या 1.5 ते 2 वर्षापासून हे रस्ता रुंदीकरणाचं काम चालू आहे। कसं आहे, कलेक्टरच्या आदेशानुसार कॉर्पोरेशननी जे घरं तोडलेले आहेत, घरं तोडल्यानंतर हा मलबा रस्त्याच्या अशा कडेलाच टाकून ठेवलेला आहे। येता जाता इथे अपघात होतात आणि उचलायला आम्ही जेव्हा तक्रार केली तेव्हा PWDवाले कॉर्पोरेशनचं नाव सांगतात, कॉर्पोरेशन PWDचं नाव सांगते। शेवट हा मलबा उचलणार कोण हा प्रश्न आमच्यासमोर पडलेला आहे, त्यामुळे आम्ही हा मलबा आज NMC कॉर्पोरेशन गांधीबाग झोनला घेऊन जाणार आहोत। आणि तरीसुद्धा हा मलबा उचलला गेला नाही तरी संबंधित अधिकाऱ्याच्या घरात आम्ही हा मलबा टाकू आणि संबंधित नगरसेवकाच्यासुद्धा घरात हा मलबा आम्ही टाकणार आहे। मलबामुळे किती त्रास होतो आहे रस्त्यावर आणि रस्त्यावर एक तर वाहतुकीची कोंडी झालेली आहे, येता जाता रात्री कसा तो अंधार असल्यामुळे तो मलबा दिसत नाही, ॲक्सिडेंट अपघात होण्याचं प्रमाण इथे वाढलेलं आहे। 2 दिवसाआड इथे अपघात होतात तर याची जर का कमी जास्त कोणाला झाला तर याची जबाबदारी कोण घेईल, हा प्रश्न आम्ही NMC आज विचारणार आहोत। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी BCN News नागपूर।